दिल्ली के थाना न्यू उस्मानपुर इलाके के मेन रोड ब्रह्मपुरी में जारा ट्रेडर्स नाम के कारोबारी की दुकान में अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। गोली दुकान के शीशे में लगी जिससे दुकान का शीशा टूट गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू उस्मानपुर इलाके के ब्रह्मपुरी रोड से सामने आया है, जहां देर रात अज्ञात बदमाशों ने सरेआम एक कारोबारी की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें बताया जा रहा है कि दुकान में लगा शीशा गोली लगने से चकनाचूर हो गया है। हालांकि गनीमत रही कि इन बदमाशों की गोली दुकान में बैठे दुकानदार या फिर किसी राहगीर को नहीं लगी, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा। इस गोली कांड के बाद ब्रह्मपुरी रोड के कारोबारी में दहशत का माहौल बन गया है और दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में इतना अवैध हथियार कहां से आ रहा है कि बदमाश आराम से किसी के ऊपर भी बंदूक तान देते हैं और तो और फायरिंग कर देते हैं और आराम से मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस को मौके से गोली के कुछ खोल भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं और पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। हालांकि इस मामले में जारा ट्रेडर्स के मालिक का कहना है कि उनका किसी के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी दुकान पर किसने और क्यों फायरिंग की है। वहीं दिल्ली पुलिस मामला दर्ज कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डॉक्टर जॉन एथलेल तिर्की ने बताया, दिनांक 18 सितंबर 2023 की रात्रि करीब 9:45 पर तीन लड़के मोटरसाइकिल पर आए। दो लड़के उतरे, उनमें से एक ने तीन राउंड फायरिंग की। दुकान पर दो गोलियां चलाई गईं और एक हवा में चलाई गई। दुकान खुली थी लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। गोली दुकान के बाहर लगे शीशे को निशाना बनाकर मारी गई। 336/34 आईपीसी आरडब्ल्यू 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत उस्मानपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। दुकान मालिक और कर्मचारियों की जांच की जा रही है। अपराधियों की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना के पीछे का कारण पता लगाया जा रहा है। मामले में आगे जांच की जा रही है। अतीक मलिक की रिपोर्ट। जानकारी अभी मिली है। गौतमपुर में एक दुकान है, उसमें फायरिंग की अभी खबर मिली है। मौके पर उस्मानपुर एसएचओ, उनकी टीम, ट्रैक टीम भी आई हुई है और वारदात का अभी मुकम्मल पता नहीं लग पाया कि कोल कारतूस के अभी मिले नहीं है और इलाके में कोई ऐसी बात नहीं, शांति है। और बाकी नकाबपोश थे, वो बता रहे हैं दुकानदार की अभी शीशे पे गोली मार के जब गए, उनका खाली कोल तो मिली नहीं है। बाकी मौके पे एसएचओ और उसकी टीम, एफएसएल टीम भी आई हुई है, वो सर्वे कर रही है, अपनी जांच कर रही है। ये गौतमपुरी लग रही है, मेन रोड गौतमपुरी है, थाना न्यू उस्मानपुर है।